और अब अगली खबर, मोदी सरकार दो साल पर जश्न मना रही है, अच्छे दिन के दावे कर रही है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने बयान दिया है कि कोई भी सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती है। जब भार्गव ने यह बयान दिया तब केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी वहां पर मौजूद थे। महंगाई बढ़ना और घटना एक शाश्वत प्रक्रिया है, उसके लिए ना कोई सरकार रोक पाई है ना रोक सकेगी। ये ग्लोबल पूरा ये अंतर्राष्ट्रीय विषय होता है, डीजल पेट्रोल उससे संबंधित विषय का। ये कभी प्याज कभी टमाटर कभी कुछ महंगाई भी होती है, सस्ते भी हो जाते हैं, आपने सब देखे होंगे। नियंत्रण नहीं होता, महंगाई कभी कम नहीं हो सकती। मैं जहाँ तक मान के चलता हूँ कि हम लोग डीए देते हैं, महंगाई भत्ता देते हैं, सर्वी कर्मचारियों के लिए देते हैं और वेतन वृद्धि करते हैं, मजदूरी में वृद्धि करते हैं, तो उसका अर्थ यही होता है कि आम जनता की मजदूरी बढ़ती है, हमारे मनरेगा का टास्क का हमारा रेट कितना बढ़ गया, 3 गुना हो गया, सारी चीजें बढ़ती हैं। इस बयान से अब सवाल ये खड़ा हो गया है, तो क्या महंगाई कम करने के जो दावे जो वादे चुनाव के दौरान किए जाते हैं क्या वो जुमले होते हैं? एक मंत्री का इस तरीके का बयान और उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ये कैसे कह रहे मंत्री महोदय कि महंगाई कम नहीं की जा सकती है। अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।